सो हे व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है टेक्नो केयर एडिट में। और आज हम एडिट करेंगे कुछ इस तरह का वीडियो नवरात्रि के ऊपर। सो आपको भी ऐसा वीडियो एडिट करना है अपने मोबाइल से तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस तरह का वीडियो हम कैपकट एप्लीकेशन से बनाने वाले हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सो कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने से पहले आपको यहाँ पर सिक्योर वीपीएन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको इसे किसी भी सर्वर से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीपीएन है सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। सो कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर प्लस का सिंबल मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। राइट में आपको फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से गाइज आपको दुर्गा जी का नव इमेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम जल्दी से दुर्गा जी का नव इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट पे आना है। इस तरह से लास्ट पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे गाइस आपको एक ब्लैक लेयर मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको डिलीट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है और जो इमेज आपका फ्रेम में सेट नहीं है उसको सेट कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इमेज सेट नहीं है उसको सेट करेंगे हम। देखिए ये जो इमेज है ये सेट नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे और दोनों फिंगर से कुछ इस तरह से इसको जूम कर लेंगे, ठीक है। इसको जूम करके इसको फ्रेम में सेट कर लेंगे। तो फटाफट हम कर लेते हैं, ठीक है। सारे इमेज को करना पड़ेगा गाइज। सो इमेज को फ्रेम में सेट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है कुछ ही तरह से। और आपको फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है और इसके ड्यूरेशन को आपको रखना है 2 सेकंड, ओके। इस तरह से पकड़ के आपको इसके ड्यूरेशन को 2 सेकंड कर लेना है। इसके बाद आपको सेकंड वाले इमेज पे क्लिक करना है और इसके ड्यूरेशन को आपको रखना है 2.3 सेकंड। और इसके बाद गाइज आपको थर्ड वाले इमेज पे क्लिक करना है और इसका जो ड्यूरेशन है 2.3 सेकंड रखेंगे इसका भी, ठीक है। और इसी तरह से आपको आगे जितने भी आपके इमेज हैं सारे इमेज का जो ड्यूरेशन है 2.3 सेकंड कर लेना है। तो हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक गाइज जितने भी हमारे इमेज थे सारे इमेज का जो ड्यूरेशन है 2.3 सेकंड कर लिया है। इसके बाद लास्ट वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है 2 सेकंड रखेंगे, ओके। इस तरह से रखेंगे और इसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है और फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है। नीचे आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर कॉम्बो वाले एनिमेशन पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर राइट में मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद गाइज आपको लास्ट में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक एनिमेशन यूज करना है कॉम्बो वाला उबल का, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे और इसके बाद आपको सेकंड वाले इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है स्वे इन का, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्वे इन का मिल जाएगा, इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। फिर से अगले वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से आपको उबल वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद आपको फिर से अगले वाले इमेज पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पर स्वे इन वाला जो एनिमेशन है उसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको आगे एक इमेज पे आपको उबल वाला और सेकंड वाले इमेज पे आपको स्वे इन वाला जो एनिमेशन है उसको अप्लाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज हमारा जो एनिमेशन है अप्लाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद आपको यहाँ आगे देखिए प्लस का सिंबल मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ से गाइज आपको 5 इमेज को और सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है। 5 इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से हमने इमेज को ऐड करना स्टार्ट किया था, इस वाले इमेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको इस तरह से जूम कर लेना है और इसके ड्यूरेशन को आपको 7 सेकंड रखना है, ठीक है।
और इसके बाद आपको सेकंड वाली इमेज पे क्लिक करना है और इसको भी इस तरह से फ्रेम में सेट कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको फ्रेम में सेट करने के बाद इसके ड्यूरेशन को आपको 4 सेकंड रखना है, 0.4 सेकंड। इसको जूम कर लेंगे, ठीक है, 0.4 सेकंड इस तरह से। इसके बाद थर्ड वाले इमेज पे क्लिक करेंगे, इसको भी इस तरह से जूम कर लेंगे, ठीक है, और इसका भी जो ड्यूरेशन है गाइस 0.4 सेकंड रखेंगे। इसके बाद फोर्थ वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और इसको भी इस तरह से बढ़ा लेंगे, और इसका जो ड्यूरेशन है गाइस आपको 5 सेकंड रखना है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है आपको रखना है 0.6 सेकंड। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा ड्यूरेशन है सेट हो चुका है। अब इसके बाद स्टार्टिंग पे आएंगे जहाँ से हमने इमेज को अभी ऐड किया है जस्ट, ओके, और इस वाले इमेज पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले इमेज पे एनिमेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, कॉम्बो वाले एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको लेफ्ट जूम वाला एनिमेशन लगाना है और अगले वाले पे राइट जूम, फिर से लेफ्ट जूम लगाएंगे और फिर से अगले वाले इमेज पे राइट जूम लगाएंगे, और इसके बाद लास्ट वाले इमेज पे क्लिक करके लेफ्ट जूम लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। अब इसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है। स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है, ठीक है, इस तरह से। और नीचे आपको देखिए यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको उस वीडियो को चूज करना है जिस वीडियो से आप म्यूजिक को एक्सट्रैक्ट करने वाले हो, तो यहाँ से हम उस वीडियो को चूज कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो को चूज करने के बाद नीचे आपको इम्पोर्ट साउंड ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो आपको प्लस दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो म्यूजिक है ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो हमारा इमेज है हमारे बीट से परफेक्टली मैच हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है, ठीक है। बैक करने के बाद गाइस आपको नीचे देखिए यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में चले जाना है, और यहाँ पर एक इफेक्ट आपको मिलेगा नेचर का, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर गाइस आपको अप्लाई करना है सबसे पहले स्टीम, ओके, स्टीम को अप्लाई करेंगे, और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। देखिए इस तरह से आपको स्मोक वाला इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको अप्लाई करने के बाद इसके लेयर को पूरा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, पकड़ के। इस लेयर को बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पे आना है और आपको फिर से इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और फिर से आपको नेचर के इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है आपकी बार सॉफ्ट रोज वाला जो इफेक्ट है उसको अप्लाई करेंगे, और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे और इसके लेयर को पूरा बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेयर को बढ़ाने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है, फिर से आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे गाइस आपकी बार आपको बेसिक वाला जो इफेक्ट है उस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको बेसिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे गाइस आपको चूज करना है कैमरा शेक का जो इफेक्ट है उसको चूज कर लेना है, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब इसके बाद इसके लेयर को पूरा बढ़ा लेंगे कुछ इतना से, ठीक है। लेयर को बढ़ाने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ से बैक करेंगे, और नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको शैडो पीएनजी को ऐड करना है, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर लेते हैं, शैडो पीएनजी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो शैडो पीएनजी है ऐड हो चुका है, इसको इस तरह से जूम कर लेंगे, ठीक है। जूम करने के बाद आपको इसके लेयर को बढ़ा देना है कुछ इतना से जहाँ तक हमारा वीडियो है, ठीक है। इसको बढ़ाने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, इस तरह से बढ़ा लेंगे, ठीक है, बराबर कर लेंगे इसको। इसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे, ठीक। स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है, फिर से ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको ऐड करना है
नवरात्रि वाला टेक्स्ट पीएनजी, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह से इसको नीचे सेट करेंगे, ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं आप इसको, राइट में भी सेट कर सकते हैं। और इसके बाद इसके लेयर को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब लेयर को बढ़ाने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना फिर से, ठीक है। स्टार्टिंग पे आएंगे और आपको फिर से ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेम्पलेट वीडियो को, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट वीडियो ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद आपको इसको जूम करना है कुछ इस तरह से, और नीचे आपको यहाँ पे स्प्लाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर लेंगे, और लास्ट में जो पार्ट बड़ा हुआ उसको कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वीडियो है कंप्लीट बन चुका है, और जो हमारा वीडियो है सही से प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कैपकट एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में लैग करता है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका जो वीडियो है बहुत ही अवेसम लगेगा देखने में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन चूज करना है 1080। उसके बाद ऊपर शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो जाएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।